गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। क्लास सेवन्थ है, सब्जेक्ट मैथ्स है आपके पास। असाइनमेंट नंबर है 34। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.4 इन क्वेश्चन नंबर 1। विच इज ग्रेटर, ये आपके पास 3 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। डेसिमल के अंदर है, इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2-3 अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। एक मेथड तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर क्या है, देखिए पॉइंट से इधर के डिजिट देखते हैं, ये भी क्या है आपके पास 0 है, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है 0 है, दोनों इक्वल है। यहाँ से तो हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। इसमें भी डेसिमल के बाद 5 है, इसमें डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 ग्रेटर होता है 5 ग्रेटर होता है, 5 ग्रेटर होता है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 0.5 क्या है आपके पास ग्रेटर है। सेकंड मेथड ये है, आप इसको, ये आपके पास डेसिमल दे रखे हैं, कौन से डेसिमल है, एक है 0.5, एक है 0.05, कौन से डेसिमल है, ये अनलाइक डेसिमल है, तो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, क्योंकि इसमें डिजिट के अंदर कितने डिजिट हैं 2 हैं, और इसमें डिजिट डेसिमल के अंदर आगे कितने डिजिट हैं 1 हैं, ठीक है। तो लाइक डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के आगे जो होते हैं सेम डिजिट होते हैं, ठीक है, यानी सेम नंबर ऑफ प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर डिजिट के बाद यहाँ पर 5 है, तो आगे कुछ भी नहीं, आप 1 पुट 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.50, ये 50 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सेकंड मेथड ये है आपके पास, किसी भी मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2.03 और 2.30। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इक्वल है, नहीं पता चला हमें कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पर भी डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल है, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 0 ग्रेटर होता है या 3 ग्रेटर होता है, 3 ग्रेटर होता है, तो 2.30 क्या है आपके पास ग्रेटर है। एज इट इज 0.8 है, यहाँ पर क्या है 0.8, दोनों क्या है आपके पास इक्वल है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 है, और यहाँ पर क्या है आपके पास 8 है, 0 ग्रेटर होता है या 8 ग्रेटर होता है, 8 होता है, तो 0.88 क्या है आपके पास ग्रेटर है। सेकंड क्या है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, ये आपके पास रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, डेसिमल के अंदर। जैसे 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करते हैं 1/100 हो जाएगा, और मोर देन 1 होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/100, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में होता है, तो 0 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 1 2 2 डिजिट हो गए, यहाँ से पॉइंट पुट कर देंगे, 0.07 के आपके पास रुपीज़ है। सेकंड 7 रुपीज़ है, 7 पैसे, ठीक है। अब पैसे को कन्वर्ट करेंगे, 7 + 7/100, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं सोल्व, या आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, 7 100 7 हो जाएगा, 100 10 के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 20 है, 2 के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हो सकता था, ये 20 है तो ये आपके पास 0.07 आता, 7 में 0.07 को ऐड करते तो आपके पास ये आता 7.07। ये 235 पैसे हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कहेगा 2.35। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है एंड किलोमीटर में। इसके लिए आपके पास एक टेबल होती है, अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। इसमें क्या मेथड होता है, अगर आप इसमें राइट हैंड की साइड इसकी तरफ चलते हैं, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप किधर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर से आपको चलना है किलोमीटर की तरफ, ठीक है, तो क्या है आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और इनमें सभी में 10 का गैप होता है, ठीक है, सभी में 10 का डिफरेंस होता है,
मिलीमीटर है ये आपके पास, सबसे छोटी यूनिट होती है इसकी। इससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इससे बड़ी यूनिट होती है डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अब 5 सेंटीमीटर है, देखिए 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर से कितने डिजिट चले आप, 1 और 2, ठीक है। और किधर चल रहे हो, लेफ्ट साइड की तरफ। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर आपका क्या आ जाएगा, इसमें मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर है, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर के अंदर, ठीक है। सेंटीमीटर से कितने स्टेप चले, 1, 2, 3, 4, 5, 10 की पावर 5, यानी 10 को 5 टाइम लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 अपॉन 10 को 5 पर लिखा हमने, क्या है आपके पास 1 लाख आ गया। यहाँ से 5 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 3 to 5.0, ये आपके पास किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, आप में इसको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है उसके आगे के डिजिट काउंट करके 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट में दे रखी है आपके पास, उसका मेथड होता है, उसके लिए टेबल है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। डेसिमल, डेसिमल से राइट साइड की तरफ, इसमें टेंस होता है, इसमें टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड्स, थाउजेंड, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000s, ठीक है। अब 20 plus 3 upon 100, क्यों, क्योंकि 2 की फाइंड आउट करेंगे तो 1 डिजिट है इसके आगे, 20 का 20 रहेगा, 0 की करेंगे तो 0 ही आएगा उसमें, इसलिए मैंने 0 को यहाँ पे नहीं लिखा है। प्लस डेसिमल से इधर कितने डिजिट हैं, 1, 2, 2 डिजिट पे क्या है आपके पास, डेसिमल से 1, 2, 100 है और इसके नीचे क्या है, 100, तो ये हो जाएगा आपका 3 upon 100। एज इट इज़ सेकेंड 2 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 प्लस 0 का 0 ही रहेगा, 3 upon 100 प्लस 4 upon 1000, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आप, 0 लिखेंगे, 10 को 0 से करेंगे 0 आएगा, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ पे 3 upon 100 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 upon 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप पुट करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये डेसिमल्स में दे रखे हैं, आपको इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। और कौन से प्लेस पे है, ये वंस के प्लेस पे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर 2 या 2 वंस, वंस की जगह है ये, तो वंस का हो जाएगा। ये किसकी जगह है, टेंस की जगह है, तो आप टेंस लिख सकते हो, 2 टेंस, ठीक है, या 20। ये 2 है तो 2 upon 10 हो जाएगा, क्योंकि किस पे है, टेंस पे है, टेंस के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो 0.2 आपका आंसर है। 2/10 भी आंसर हो सकता है, 0.2 भी, या 2 टेंस, ये भी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। आई यू वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी एंड फ्रॉम देयर प्लेस सी। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी इज 11.8 फ्रॉम डी। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। देखिए जैसे हमारे पास ये फिगर है, ये फिगर है, इस फिगर में ए और बी की डिस्टेंस 7.5 है, बी सी की 12.7 है, सी डी या डी सी की 11.8 है और ए डी की 9.3 है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, दिनेश ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, ए बी प्लस बी सी, 7.5 12.7 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20.2। डेसिमल्स के अंदर ऐड करने का क्या मेथड होता है, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल पुट करना है और फिर उनको ऐड कर देना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब, अयूब ने कितनी की, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल्ड की है, 9.3 प्लस 11.8 क्या हो जाएगा आपके पास, 21.1 किलोमीटर। अब इन दोनों में से किसने डिस्टेंस मोर ट्रेवल्ड की है, अयूब ने की है तो लिख देंगे अयूब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस कितनी की है उसने, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे, 21.1 में से माइनस कर देंगे 20.1
टू, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 0.9 किलोमीटर। आई हैव ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन दिनेश। ठीक है, अब आपका इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 42.6 माइनस 28.0 माइनस कर देंगे, 14.6 आपका क्या हो जाएगा, इज लेस देन 42.6। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी है, डेसिमल है, मल्टीप्लाई आपको सभी को आते हैं। डेसिमल में मैं आपका डेसिमल का मेथड बता देता हूँ। डेसिमल से आगे जितने भी डिजिट होते हैं, ठीक है, उनको काउंट कर लेते हैं और जो भी आंसर आता है, ठीक है, उतने ही डिजिट के बाद उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। जैसे 75 या 35, इसमें डेसिमल से इधर कितने डिजिट हैं, 2, तो इसमें भी डेसिमल से इधर 2 ही डिजिट होने चाहिए। इसमें डेसिमल से इधर कितने डिजिट है, 2, ये आंसर आएगा, तो इसमें डेसिमल से इधर 2 ही डिजिट हो। क्वेश्चन नंबर 9 में 10.5 1.05, ठीक है, 1.05 ये आपका पॉइंट यहाँ पर है, 1.05, ठीक है, यहाँ पर नहीं है पॉइंट, ये बाई मिस्टेक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 110.25। अब देखिए पॉइंट से इधर कितने डिजिट हैं, 2 हैं और 1 इधर है, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, तो आपके 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करने हैं, 1, 2, 3, तो आपका आंसर होगा यहाँ से 110.25। ठीक है, क्योंकि डेसिमल से इधर कितने डिजिट होने चाहिए, आपके 3 डिजिट होने चाहिए। 11.2 को 0.15 से करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया आपने, आपका आंसर आया 1680, पॉइंट पुट करते हैं तो डिजिट डेसिमल से इधर 1 है, डेसिमल से इधर 2 है, कितने टोटल कितने डिजिट हुए, 3 डिजिट, 3 के बाद पॉइंट, 1, 2, 3 के बाद पॉइंट पुट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है, उसके बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2, डेसिमल से इधर कितने डिजिट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, 3.96, 4 से डिवाइड करेंगे 99, पॉइंट से इधर कितने डिजिट है, 2 के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 1, 2 पॉइंट पुट कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 16, पॉइंट से इधर कितने डिजिट है, 2 के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 1, 2 पॉइंट पुट कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसे ही है, 7.9 को 1000 से करना है, हम पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, इसको 79 में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉइंट से इधर कितने डिजिट है, 1, तो 10 इसमें आगे पुट कर देते हैं, 3 तो पहले से ही है, 1 और पुट कर देंगे, 4 हो जाएगी, 4 के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, यह आपका आंसर हो जाएगा। 98.53, 20 यहाँ पहले से हैं, पॉइंट पुट करेंगे तो पॉइंट से इधर 2 डिजिट हैं, तो 20 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 100 × 100 क्या आ जाएगा, 10,000, और 4 के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 0.9853। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड 3.25 को 5 से डिवाइड करना है, 3.25 को 0.5 से डिवाइड किया आपने, ठीक है, क्या आ गया, 65, पॉइंट कहां पर पुट करें, इसमें पॉइंट से कितने डिजिट हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 1, तो इसमें क्या होता है, पॉइंट्स के जो डिजिट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट पुट करेंगे आप। ठीक है, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और 2 माइनस करेंगे क्या जाएगा, 0, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट पुट नहीं करना है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कम्प्लीट है 2। ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.